Welcome, my friends. I am Ashutosh. You are watching online education. तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना. फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड. फॉर्मिक एसिड मतलब COOH, यह फॉर्मिक एसिड. और एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH. तो सीधी सी बात है, इधर कार्बन का नंबर है 1, एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्बन का जो नंबर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसिड है इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से देंगे और रिडक्शन करेंगे. ये रिडक्शन रिएक्शन है. तो एसिड जब रिडक्शन होता है तो वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के थ्रू अल्कोहल. तो ये हाईली रिडॉक्स एजेंट है, रिडक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए डायरेक्ट CH3 बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मिथाइल अल्कोहल जो है, इधर कार्बन का कितना है 1, ये भी है 1, तो ठीक है. चलिए इसमें देते हैं रेड फॉस्फोरस और I2. रेड फॉस्फोरस प्लस I2. तो I2 से I इधर घुस जाएगा, हो जाएगा CH3 बॉन्ड I, मतलब मिथाइल आयोडाइड. मिल गया मिथाइल आयोडाइड. मिथाइल आयोडाइड में हम लोग देंगे के बॉन्ड CN. के और I आपस में ऐड हो जाएगा, के I बना लेगा और CN इधर घुस जाएगा. तो क्या होगा, CH3 CN, मतलब इसका नाम है मिथाइल साइनाइड. मिथाइल और यह है साइनो ग्रुप, मिथाइल साइनाइड. तो देखिए हुआ क्या, एक कार्बन, लेकिन इधर कार्बन का जो नंबर है वो हम लोग इंक्रीज कर लिए, 1+1 2 कार्बन है. तो कार्बन का जो नंबर इंक्रीज करने का प्रोसेस यही है उसका प्रोसेस. अगर आप लोग एक कार्बन चेन में कार्बन का नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. तो उसके बाद हम लोग इधर रिफ्लक्स करेंगे, कैसे, डाइल्यूट H2SO4 देंगे, तो हो जाएगा CH3COOH प्रोडक्ट मिल गया. CN ग्रुप डाइल्यूट H2SO4 देने से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो था 1 कार्बन, हो गया 2 कार्बन. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.